सब्सक्राइब कीजिए ऐसा रोबोटिक चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सतीश रावत, आप देख रहे हैं ऐसा रोबोटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ब्लूटूथ कंट्रोल रोबो या रोबो कार बोल सकते हैं आप इसको। इसको माइक्रो कंट्रोल आर्डिनो के थ्रू हम बनाएंगे और इसमें क्या क्या एक्सेसरीज की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए, देखिए कार्डबोर्ड है, मैंने कलर पेपर चिपका रखा है। सीजर चाहिए हमें, चार मोटर चाहिए हमें। इसके अलावा हमें चाहिए आर्डिनो ऊनो, एक हमें चाहिए मोटर ड्राइवर, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें चाहिए ब्लूटूथ HC05। ये हमारा ब्लूटूथ हो गया। ये है, चार व्हील्स हैं मेरे और ये कुछ ब्रेड रिबन वायर्स है और शोल्डिंग आयरन। तो हमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसे चालू करने से पहले, और मेरे आपको वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दिख रहा है आपको, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इस तरह के मेरे वीडियोस आप मिस ना कर सके, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ कंटिन्यूसली। और आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं कमेंट में बिल्कुल करता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन पूछिए कमेंट में, मैं रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। हम सबसे पहले सारे कॉम्पोनेंट हम साइड में कर लेते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। ये कार्डबोर्ड आप कैसे फिट कर सकते हैं, देखिए मैंने कार्डबोर्ड पर कलर पेपर चिपकाया, आपको चिपका लेना, मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ये मोटर से इनको ग्लू स्टिक की सहायता से इनको यहाँ फिक्स कर लूँगा, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए गम लगाया मैंने, बिल्कुल सावधानी से और बहुत अच्छे से इसको लगाइएगा। आप ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि आपके जो यहाँ ग्लू स्टिक वगैरह लग रही है बिल्कुल एकदम सीध में लगे। देखिए ये जो पार्ट है एकदम क्लियर बाहर आना चाहिए, देखिए, ठीक है। ऐसे ही चारों आप पार्ट को चिपका लेंगे, जैसे ये वाला चिपकाया, लेकिन मजबूती से चिपकाएं इसको, ठीक है। अभी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से। फाइनली ये ग्लू से चिपक चुका है, और मैं आपको बता देता हूँ अब इसके अंदर हम कैसे कनेक्शन करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे मोटर के कनेक्शन है वो करेंगे हम, इसे दिखा देता हूँ मैं, ऐसा कुछ लगता ही है। ये याद रहे आपको सीध में होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। अब शोल्ड करके मैं फटाफट इसके पॉइंट्स बना लेता हूँ। देखिए आप अगर शोल्डिंग अच्छी करना चाहते हैं तो पहले पॉइंट्स बनाएं इस पर, देखिए मैं शोल्डर के पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये मेरे पॉइंट्स बन चुके हैं। ओके, ये मैंने इस पर पॉइंट्स बना दिए। पॉइंट्स को बना दिए हैं, फाइनली कंप्लीट हुआ ये पॉइंट्स वाला पार्ट। दोस्तों पहले उसको सूखने देते हैं, फिलहाल हम सर्किट पर ध्यान देते हैं हमें बनाना कैसे है। देखिए हमें सबसे पहले आर्डिनो की ज़रूरत है, L293D। ये हमारा L293D मॉड्यूल है, जो कि किस तरह की आर्डिनो इस तरह दिखता है, और L293D मॉड्यूल जो हमारा यहाँ पर इस तरह है, ठीक है। इसके अलावा ये है हमारा ब्लूटूथ HC05। तो ये तीन तरह के कंपोनेंट जो है, और ये जो जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा कि कहाँ से आपको बाय करने हैं, और कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये सर्किट डायग्राम है ये वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो पूरे देखते रहिएगा। अब मैं इसको बनाना सिखाना स्टेप बाय स्टेप, अब बना सकते हैं खुद इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। खासकर अगर स्कूल स्टूडेंट्स को बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रीज़न क्या है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करें स्टूडेंट्स, ज़्यादा अच्छा लगता है। बीटेक वाले भी बना सकते हैं इसे, बीटेक तक बनाते ही हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले से देखिए आर्डिनो के अंदर पिंस दी हुई हैं, आप देखिए मैंने जो मोटर ड्राइवर जो है हमारा, मोटर ड्राइवर के अंदर इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, इनपुट 3, इनपुट 4 है। तो मैंने क्या कर रखा है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे ये जो मोटर ड्राइवर है ये इनपुट 1 है, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, ठीक। ये इनपुट 1 है, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, तो ये चार इनपुट है जो मेरे आर्डिनो में जाएंगे। ये जो कनेक्शन है, अब देखिए कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ पहले से ही, यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें किस पिन पे मोटर का कनेक्शन जोड़ना है, एक तो पिन नंबर 9,
एक 10, एक 11 और एक 12। तो ये रहा हमारा 9, 10, 11, 12। तो मैं यहाँ से इनपुट 1 को 10 में जोड़ूंगा, 9 में जोड़ूंगा, फिर 10 में, 11, 12 में जोड़ूंगा। तो सब में मैं इसमें कनेक्शन करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ों को मैं बताता हूँ। तो मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। पहले शोल्डिंग वायर से कनेक्ट करना है। मैं इस तरह के बेल्ट वायर का यूज़ कर रहा हूँ और ये 100% वर्किंग है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं भी कनेक्शन करने वाला हूँ ये चार इनपुट और इसके मोटर ड्राइवर। अब ये मोटर ड्राइवर के अंदर देखिए, हमारे मोटर ड्राइवर के अंदर कुछ और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट या 9 वोल्ट। इसके अलावा यहाँ देखिए यहाँ पे दिया 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट और ये जो ग्राउंड है, मतलब ये 5 वोल्ट और ये जो ग्राउंड है, ये मैं अपने आर्डिनो के अंदर ही डाल दूंगा। देखिए ये हमारा जा रहा है, यहाँ देखिए इस नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ 5 वोल्ट पॉजिटिव में मिल रहा है, नेगेटिव में मिल रहा है। तो हमारा जो भी है पॉजिटिव जो है, यहाँ से यहाँ तक मैं आर्डिनो के अंदर डाल दूंगा। और ये जो नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव वाली लाइन यहाँ जा रही है, इस वाली नेगेटिव में, तो नेगेटिव भी दे दूंगा। तो मेरे को 6 वायर जोड़ने, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 वायर मैं आर्डिनो से जोड़ने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। सो फाइनली मैंने इसको जोड़ लिया। आपको बता दिया मैंने कि कनेक्शन देखिए पहले, फिर भी मैं एक बार वापस बता देता हूँ। देखिए ये जो पिन होती है आर्डिनो की 6 पिन के अंदर, 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव होती है। तो मैंने इसे कुछ से जोड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिन जो होती है इसमें, ये वाली पिन पॉजिटिव होती है कोने की। मेरे को इसमें 5 वोल्ट देना था तो पॉजिटिव दे दिया मैंने, नेगेटिव भी देना था नेगेटिव भी दे दिया मैंने ब्लैक वायर से। ये देखिए मैंने पॉजिटिव जो दिया है ये वाला इस वायर से दिया, नेगेटिव इस वाले वायर से दिया। तो ये कनेक्शन हो चुका है मेरा मोटर ड्राइवर का फाइनली। अब मैं ब्लूटूथ से कनेक्शन जो करना है, मैं ब्लूटूथ से कनेक्शन करूँगा। इसके लिए मैं जम्पर वायर यूज़ कर रहा हूँ, इसका कोई रीज़न है, मैं बताता हूँ क्यों। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये इस तरह का जम्पर वायर यूज़ कर रहा हूँ मेरा, इसका यूज़ करने का मोटिव ये है। पहली बात तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ सकता हूँ इसके साथ, ठीक है। और आप चाहे तो इसके साथ जम्पर नॉर्मल वायर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या, मैं इनको इस पिन के अंदर डालूंगा, देन ये इसके अंदर फिट हो जाएंगे। देखिए ये फिट हो गया, ये फिट हो गया इस तरह से, ठीक है। और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसको भी जोड़ सकता था डायरेक्ट, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका RX और इसका TX इससे कनेक्शन में होता है, जैसा कि फोटो में दिख रहा होगा। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका RX है, इसके TX में जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसका TX है, देखिए ये इसके TX इसके RX में जा रहा है, इसका TX इसके RX में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे TX इसके RX में उल्टा रिवर्स कनेक्ट होता है। इसी कारण जब हम कोड अपलोड करते हैं तो कोड बर्न भी नहीं होता और इसकी चांसेस आर्डिनो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग इसलिए इसका यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इसको निकाल सकें, और जब कोड बर्न करें तब इसको निकाल सके, फिर दोबारा हम कनेक्शन कर सके। क्योंकि RX TX पे पिन लगा के आप कोड करेंगे तो जनरली 90% खराब होने की चांसेस है। तो मैं फिलहाल अभी इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ जैसे आपको बताया मैंने। ये देखिए मैं इसमें कनेक्शन कर रहा हूँ। अब मुझे कनेक्शन कैसे करने है ये समझाता हूँ मैं आपको। ये मेरा ब्लूटूथ से कनेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है, ये देखिए। अब ब्लूटूथ से कनेक्शन हो गया तो मेरे को सबसे पहली बात इसका पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा मेरा। देखिए पॉजिटिव, देखिए RX है, TX है और ये ग्राउंड एंड पॉजिटिव। ये जो ये दो पिन है ऊपर वाली, ये वाली है ये पॉजिटिव है, येलो वाली उसके बाद नेगेटिव है। तो येलो वाली जो पॉजिटिव है मैं इस वायर को लूँगा और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव है, यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने इसे, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये टाइटली कनेक्ट हो गया है। अब मेरा 5 वोल्ट इसको मिल चुका है। इसके अलावा इसके बाद वाली पिन जो थी मेरी नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ। ये इसके पास वाली पिन ही नेगेटिव है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हुआ वो नेगेटिव, ग्राउंड GND लिखा है। तो इसके पास वाली पिन भी मैंने नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है। अब बचे हैं मेरे पास दो वायर। अब ये है RX और TX। मैंने आपको कहा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहले बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा, इसका TX उसके आर्डिनो के RX में जुड़ेगा। तो मैं देखिए यहाँ पे आपको RX जो है, मीन्स ये ब्राउन पिन मेरा RX है तो ये आर्डिनो के TX में जाना चाहिए। ब्राउन पिन RX है मेरा, ये इसके TX में जाना चाहिए। मीन्स पिन नंबर 1 पे दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये TX है पिन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका RX0 नंबर जो RX है इसके TX पे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब रेड कलर वायर, ये ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने ऐसा इसलिए क्यों किया, ये वायर जोड़े इनको नहीं जोड़ा है। अब जैसे जब मैं कोड अपलोड करूँगा, देखिए मेरा कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। जैसे ही मैं अब कोड अपलोड करूँगा तो ये दोनों पिन मैं ऐसे निकाल दूंगा, कोड तब अपलोड करूँगा। उस जब मेरा कोड अपलोड हो जाएगा उसके बाद मैं फिर कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि कोड फिर अपलोड नहीं होगा, दिक्कत आएगा। और RX TX पे कुछ ही कनेक्ट करके आप अपलोड ना ही करें तो ही अच्छा है,
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर। इसके अलावा कॉमन ग्राउंड होने तीनों सर्किट का बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव नेगेटिव सब मैंने जोड़ दिए हैं, सर्किट बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, इसका फोटो ऐड कर दूंगा, सर्किट ऐड कर दूंगा आप, ठीक है। तो फाइनली हमारा सर्किट पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। और अब इसको हम पावर देने के लिए कुछ कनेक्शन बनाने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसको 12 वोल्ट चाहिए और इसको चलाने के लिए भी सोर्स चाहिए हमें, तो 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट चाहिए होता है इसको। तो मैं ऐसा कुछ सोर्स बना रहा हूँ जिससे इसको भी पावर मिल जाए और इसको भी पावर मिल जाए। मैं दोनों को कॉमन सप्लाई देने वाला हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे क्या करना है आपको।